अम्मा ने मेरे लिए रखी होगी ये। मम्मा के हाथ में जादू है, जादू बड़े मजे की चीजें बनाती है। राहिल तू सारी सेवैया खा गया? हाँ मम्मा मुझे पता है आपने मेरे लिए रखी थी सेवैया। नहीं जी, ये मैंने अपने गोरे बेटे के लिए बना कर रखी थी। अब खा तो लिए तूने, अब ऐसा कर बाजार चला जा, वहाँ से सब्जियाँ लेकर आ, मैंने खाना बनाना है शाम के लिए, लेकर आ जल्दी। अच्छा लाता हूँ। ये ले पैसे। ओ नवाब जादे, ये बर्तन कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी, उठा ये बर्तन। नौकर समझ के रखा हुआ है मुझे, सारा दिन मुझे। ओहो राहिल ने तो रोड पे सब्जी गिरा दी। अरे ये सब्जी तो गिर गई, अगर मम्मा को बताया तो मम्मा मारेगी। ऐसा करता हूँ इसी को उठा लेता हूँ। राहिल ने तो एक गंदी सब्जी उठा ली, अभी मम्मा को बताता हूँ। मम्मा मम्मा वो, अरे क्या हुआ मम्मा की जान, क्या हुआ जल्दी बताओ। अच्छा एक काम करती हूँ, अगर राहिल ने मुझे सच सच बता दिया ना कि मुझसे सब्जी गिर गई, फिर तो मैं उसको छोड़ दूंगी, चल कोई नहीं। और अगर उसने मुझसे झूठ बोला फिर तो उसकी खैर नहीं, आने दे आज। ये देखो मम्मा मैं सब्जी ले आया हूँ। आ गए तुम? हाय तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, कल्लू खा लिए। ये रोज की गिरी हुई गंदी सब्जी हमें खिलाएगा, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? वो तो मेरा बच्चा गोरा, उसने मुझे बता दिया कि तू ये काम कर रहा था वहाँ। पता नहीं कुत्ते मूतते हैं वहाँ घूम करते हैं, तू ये गिरी हुई सब्जी लेकर आ गया, आज नहीं तुझे मैं छोड़ूंगी। अब मजा आया ना बंडिस की चटनी। जो सांझ ख्वाब देखते थे बिछड़ के आज रो दे हैं। उठो मेरा भाई, चलो उठो उठो। मेरे प्यारे भाई को किसने डांटा? अब एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। मैं मम्मा का सगा बेटा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। फिर मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, हर वक्त डांटती रहती है? तुम दोनों मेरे जुड़वा भाई हो, बस फर्क यह है कि विक्की थोड़ा सा गोरा है और तुम काले हो। मम्मा काले रंग को पसंद नहीं करती, मम्मा गोरे रंग को पसंद करती है, इसलिए मम्मा तुम्हें हर वक्त डांटती रहती है। लेकिन मम्मा दिल की बुरी नहीं है, मम्मा तुमसे नफरत नहीं करती। चलो भाई आज सारे हम चलते हैं पार्क में। चलो 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 विक्की खड़े हो, चलते हैं पार्क में। अभी अगर आप इसको लेके गए तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप ही मुझे शर्म आती है लोगों को बताने में कि मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई तो है लेकिन काला भी है। बस करो विक्की, हमें जमाने की परवाह नहीं है। उठो चलो। चलो ठीक है चलते हैं। किधर रह गया राहिल? जल्दी आओ, पीछे रह जाते हो हमेशा। Thank you.
ऐसा करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। क्यों राहिल? अगर राहिल बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा। टीना आओ ट्रेन में बैठते हाँ, हैं। चलो आ जाओ। अरे टीना ये काला कौन है? विक्की को तो मैं जानता हूँ, हाँ वो तुम्हारा भाई है, लेकिन ये काला कौन है? पहले देखा नहीं ना इसको कभी तुम्हारे साथ। अरे ये तो मेरा भाई है राहिल, राहिल और विक्की मेरे जुड़वा भाई हैं। अरे टीना इसको लाने की क्या जरूरत थी, हमारी बेइज्जती होएगी, लोग कहेंगे ये काला तुम्हारे साथ है। भाई मैं तो इससे दूर होकर बैठूंगा, मुझे तो उसको देख के भी उल्टी आ रही है मुझे तो देख कर भी इसको। ये काला तुम्हारा भाई लगता ही नहीं है कि तुम्हारा भाई है, इसको तो घर छोड़कर आना था ना तुम्हें। तुम ज्यादा बातें मत करो, चलो ट्रेन में बैठते हैं। क्या हुआ? मम्मा अभी हम पार गए थे और टीना आपकी साथ राहिल को भी लेके गई। टीना किसकी इजाजत से राहिल काले को तो तुम पार्क में लेकर गई थी? दिमाग सही है तुम्हारा? मम्मा राहिल हमारा भाई है। भाई? मैं इसको जमाने से छुपाती फिर रही हूँ और एक तुम हो जो इसे सरेआम लेकर फिर रही हो। ये हमारे लिए जिल्लत है, जिल्लत। जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं है। जब से ये मनुष्य पैदा हुआ है, जब से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मम्मा हो गया इसका रोना धोना शुरू। और हाँ तू खबरदार, जो आइंदा के बाद तू उसको पार्क में लेके गई, अगर इतना ही प्यार है तो इससे करना अपने गोरे भाई से, इसको लेकर जाया कर पार्क में, इसको चीजें खिलाया कर। खबरदार जो उसको लेके गई तू। विक्की मुझे भी दोनों पापड़ है। तूने पापड़ खाने हैं? हाँ मैंने पापड़ खाने हैं। फिर एक काम कर, वो पड़ा मम्मा के पास उनमें से पैसे उठा ले। मम्मा मुझे मारेगी। बुजदिल लबन जो आपने काम दिखा। ठीक है बताना नहीं है। अरे नहीं बताता, नहीं बताता जो आपने काम दिखा। पर्स में से पैसे निकाल और मैं बाहर पहरा देता हूँ। मम्मा वो देखो राहिल चोरी कर रहा है। हाय अल्लाह ये कब से चोरी करने लग गया। भी बताती हूँ इसको मैं। हाय अल्लाह किस्मत फूट गई मेरी, मैंने तुझे ये कब सिखाया कि तू चोरियां कर। शकल अच्छी नहीं है तो काम तो अच्छे कर लिया कर, मैंने तुझे कब सिखाया कि तू चोरियां कर। लगाऊं थप्पड़ तेरे, दिन पर दिन ढेर टूटता जा रहा है।
मारने का क्या फायदा मेरा, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब जाम क्यों होके खड़ा हो गया, इधर देख पीछे हो। तोड़ दिया, अब मम्मा तुझे मारेगी, अब तू क्या करेगा? मम्मा को ना बताना। अच्छा क्या याद रखेगा, मम्मा को नहीं बताता। गिलास किससे टूटा? विकी तुमने तोड़ा ये गिलास। राहिल बेटा ये आपने तोड़ा ये बेटा गिलास। अरे बाहर तो निकलो, निकल रहे हो बाहर, निकल रहे हो बाहर, आराम से बोल रही हूँ, बाहर नहीं निकल रहे तुम, मुझे ही निकालना पड़ेगा तुम्हें। अरे अल्लाह मैं तो गिलास ला ला फिर तंग आ गई, लेकिन तू नहीं बास आएगा बर्तन तोड़ने में घर के। तेरी क्या दुश्मनी है हमारे से जो तू हर वक्त हमें परेशान करके रखता है, यूं जाम होकर खड़ा हो जाएगा। जैसे इसने तो कुछ किया है नहीं, इससे बड़ा दुनिया में मासूम तो कोई है नहीं, तू ऐसे नहीं बास आएगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इस काले से, आखिर क्या करूँ, जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मेरी बेइज्जती करता है। ये तेरा बेटा है काला, एक इतना गोरा और एक इतना काला और बदसूरत, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ ये करती हूँ। राहिल बेटा मैं भी कितनी बुरी हूँ तुझ में और अपने गोरे बेटे में फ़र्क करती रही हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो। बेटा तुम कितने अच्छे हो। अच्छा बेटा मैंने मार्केट से कुछ सामान लेना था, तुम मेरे साथ चलोगे? मम्मा मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो बेटा। बेटा मेरे से तो आगे चला भी नहीं जा रहा, टांगों में दर्द हो गया, तो ऐसा कर ये ले पैसे, सामने मार्ट से कुछ मसाले ले आ, मैं इतने यहीं पर तेरा इंतजार करती हूँ। अच्छा मैं ला देता हूँ। ये टाइम है इससे जान छुड़ाने का, अच्छा होएगा मेरी जान छूटेगी इससे, जाती हूँ मैं तो।
हो गई है, मम्मा को होश नहीं आया अभी तक। मम्मा इसको भेजो यहाँ से काले को, मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अरे रुको, तुम रुको प्लीज, रुक जाओ। अरे रुको ना मम्मा, पहले आप मेरी बात सुने। क्या कह रही हो? मम्मा आज आपके इस काले बेटे ने आपकी जान बचाई है। क्या ये क्या कह रही हो? मम्मा मैं सच कह रही हूँ। वो कैसे? ब्लड की जरूरत थी, फिर राहिल ने आपको ब्लड दिया है, और आपका और राहिल का एक ही ब्लड था। राहिल बेटा मैं भी कितनी बुरी माँ हूँ, तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती करती आई हूँ। मैं तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, तुम्हारे पर मेरे बच्चे मेरे बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मा नहीं, ऐसे नहीं कहते, तू तो मेरी प्यारी माँ है। बेटा मैंने तुम्हारे और विक्की के दरमियान बहुत फर्क किया, तुम्हारे काले रंग होने की वजह से तुम्हें नापसंद करती थी मैं, हमेशा से तुमसे नफरत की। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे खून दिया, मेरे बच्चे। मैं ये तो मेरा फर्ज था। तो फ्रेंड कैसे लगे आप लोगों को हमारी मॉरल स्टोरी? तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि औलाद काली हो या गोरी बिल्कुल फ़र्क नहीं रखना चाहिए, औलाद तो औलाद होती है, काली हो या गोरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी आप क्लिक कर देना, जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, मैं देख रहा हूँ कर दिया। चलो ठीक है, मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।